हाँ भाई, तो अकेला यहाँ पे क्यों खड़ा है? क्या काम है तुझे, बता भाई। सारी उम्र कद रह जा सिंगल नुए कार जा डरे बेरा। वाह अद्भुत। सो गाइस वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आज अपन लोग आज के फिर से माइनक्राफ्ट में, और गाइस आज अपन लोग एक गांव बसाने वाले हैं। अरे मतलब सरकार ने ठेका नहीं दिया भाई साहब, खुद के लिए बनाने वाले हैं विलेजर्स, इसलिए समझो यार, थोड़ा गांव बोल दिया उसको, क्या हो गया, बनाने तो वाले हैं ना, चाहे ट्रेडिंग हो लो कुछ भी हो। लेकिन भाई सामने देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा पहाड़ है, अपने सपनों पे पानी फेर रहा है यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन लोग वीडियो को ही फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ना। जलवा है हमारा। ये देखो भाई सब अपना जलवा खराब करने आ गया, देखो आराम खोर। अभी हम जिंदा हैं। लेकिन कब तक जिंदा हो भाई तुम? तो भाई इतनी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। और बाकी ये देखो यार, अपना कुछ एरिया कवर हो चुका, लेकिन सामने देखो भाई साहब, इनको कौन कवर करेगा? इसको कवर करने में भाई बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं नेक्स्ट डे मिलूंगा सीधा आपसे, रियल के नेक्स्ट डे में भाई, मजाक थोड़ी है। तो चलो भाई, तो गाइज सच में भाई साहब नेक्स्ट डे में अपन लोग आ चुके थे, और ये देखो अपना कुछ कोबलस्टोन वगैरह अपन लोग लेके आ चुके थे, और इनसे अपन स्टोन ब्रिक्स बनाएंगे, कुछ अपने पास वुड वगैरह, क्ले वगैरह और ग्लास वगैरह भी है जो यूज़ होने वाले हैं। तो चलो जल्दी से आपको दिखा देते हैं अपन लोगों ने कितना भयंकर एरिया को क्लीन किया है। और ये देखो कुछ इस टाइप से, ये देखो भाई कुछ अपन लोगों ने कम्प्लीटली फिल नहीं किया, नीचे से कुछ कुछ कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डर्ट और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था, लेकिन जितना उपाय उतना कर दिया है। एरिया अपने पास काफ़ी बड़ा हो चुका, तो ट्रेडिंग हॉल के सामने थोड़ा बहुत अपन लोग पार्क वगैरह भी बना देंगे, और यहाँ पे और बिल्ड्स के लिए भी अपने पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। और इस ब्लॉक मतलब 2 से 3 ब्लॉक अपन लोगों ने छोड़ दिए ताकि वॉल्स भी आएंगी और 1-2 ब्लॉक का स्पेस रहेगा तो अच्छा भी लगेगा। तो इधर से अपन लोग अपना ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले प्योर वुड से बनाएंगे, एक छोड़ के एक ब्लॉक पे अपने को लगाना है, और अपन लोग टोटल देखते हैं कितने 15 से 20 विलेजर तक का ट्रेडिंग हॉल तो कम से कम बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, एक एक छोड़ के अपने को रखते जाना है, 3, 4 और 5 वहाँ रखते हैं, 4 विलेजर के स्पेस हो चुके हैं, 4 इसके सामने करते हैं, 8 हो जाएंगे और 8 उधर वाली साइड कर देंगे, तो 16 विलेजर मेरे ख्याल से ठीक है, या फिर बाद में और भी रख सकते हैं, पहले इसके सामने बना देंगे 7 से 8 ब्लॉक का स्पेस, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इधर अपना एक और ब्लॉक आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से एक छोड़ के अपने को इधर भी लगाना है ताकि सामने विलेजर हो जाएं और उनका जॉब स्टेशन भी आ जाए, थोड़ा बहुत स्पेस रह जाए, तो 7 ब्लॉक का स्पेस इनफ रहेगा। तो कुछ इस टाइप से लग रहा है, और सेम इसी तरीके से अपने को दूसरी वाली साइड भी करना है। तो चलो बारिश भी आ चुके, कंप्लीट करके मिलते हैं आप लोगों से सीधा। तो चलो भाई, तो फाइनली अपने पूरे के पूरे ट्रेडिंग हॉल की आउटलाइन वगैरह तैयार हो चुकी है, और ये शिप देखो भाई, इसके अजब ही सस्ते नशे हैं, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। फिलहाल को आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में जस्ट मतलब जब ये पूरा बन जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन लोग 5 ब्लॉक के हाइट इसके ऊपर रखने वाले हैं, तो ये ऊंचाई काफ़ी ठीक रहेगी, और लॉक के ऊपर अपने को 4 और रखने हैं, तो टोटल 5 ब्लॉक की हाइट होने वाली है। तो चलो जल्दी से इन सभी को कम्प्लीट कर देते हैं, और कुछ इसी टाइप से अपने को ये कंप्लीट करना, काफ़ी ज़्यादा वुड भी लगने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पास काफ़ी वुड पड़ा है। और ये देखो भाई साहब, ये सामने ज़ॉम्बी, ये ले भाई साहब, गाइस इतना खतरनाक हेडशॉट देखा कहीं पे? तो चलो भाई फिलहाल को कंप्लीट करते हैं सभी को। अपन लोगों ने को स्ट्रिप भी कर दिया, तो काफ़ी ठीक ठाक लुक आ रही है, लेकिन ये क्या बात है, कभी यहाँ पे काउ स्पॉन हो जाती है, कभी शिप स्पॉन हो जाती है, मतलब इनके लिए बना रहे हैं क्या भाई, कोई इज्जत ही नहीं है, कमाल करते हैं। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे। तो गाइस पहले ये यहाँ पे सिर्फ आपको लकड़ी लकड़ी दिख रही थी, लेकिन एकदम ये देखो भाई, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ, लेकिन हर बार की तरह कोई काउ या शिप यहाँ पे जरूर मिलती है, वो भी मिल गई अपने को। लेकिन बताओ भाई कैसा लग रहा है, अपन लोगों ने ब्रिक्स से इसकी मतलब स्टेयर वगैरह लगा दी, और थोड़ी बहुत आउटलाइन वगैरह कह सकते हो वो करी है, और स्टोन ब्रिक्स यहाँ पे लगा दी क्योंकि छत वगैरह भी अपन ने को जल्दी बनानी है, और यहाँ पे अपन लोगों ने वाइट ग्लास का यूज़ किया है जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है, और इसको जल्दी से कंप्लीट भी कर देंगे अपन लोग बाद में कुछ इसी टाइप से। और यहाँ पे ये विलेजर्स के लिए हो गया, इसको भी अच्छे से बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन लोग कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लास वगैरह लगाने वाले हैं,
और स्टेयर लगाने के बाद काफ़ी मतलब डिफरेंट और गजब लुक आ रही है। लेकिन एक सेकंड भाई, यहाँ पे स्टेयर मिसिंग है, अपन लोग यहाँ पे भी लगा देते। अब देखो काफ़ी ठीक लुक आ रही है। स्टेयर की अपने पास कमी पड़ गई थी तो बाद में लेके आ जाएंगे, क्योंकि स्टेयर चारों साइड अपन लोग लगाने वाले हैं। अरे बाबा, ये अचानक कहाँ से आ जाते हैं पता ही नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं, लपेट देंगे, अपने को फालतू झंझट नहीं चाहिए। और फिलहाल को ऊपर चल के अपन लोगों को अपने ट्रेडिंग होल का काम भी स्टार्ट करना है, मतलब कंप्लीट करना है यार। स्टार्ट तो ऑलरेडी कर दिया है, तो चलो जल्दी से चलते हैं और कुछ चेंजेस के बाद मिलेंगे आपसे। तो गाइस फाइनली मतलब 80-85% काम कंप्लीट हो चुका है, आपको अंदर चल के दिखा देते। और ये देखो भाई साहब, हर बार की तरह आप लोग कितनी बार भी नोटिस कर लेना, एक सीप या काउ जरूर मिलती है और अपने से यहाँ पे मारी जाती है। और इस बार भी मिल गई, देखो यहाँ पे ग्लास वगैरह अपन लोगों ने लगा दिए हैं। इस वाली साइड ये देख सकते हो ऑरेंज वाले लगाए हैं, और यहाँ पे अपन लोगों ने डार्क ओक के भी लगा दिए हैं। और फिलहाल को फ्लोर बनाने वाले हैं अपन लोग स्लैब से, क्योंकि थोड़ी बहुत अपने पास कमी है डायोराइट की। तो चलो जल्दी से स्लैब वगैरह लगा देते हैं, और फिर छत भी लगाने वाले हैं, वो एंड साइड से लगाएंगे। तो लगा के मिलते हैं आप लोगों से। तो चलो भाई, गाइस काफ़ी टाइम के बाद आ चुके हैं और अपना फ्लोर छत सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस ब्लेजर यहाँ पे लाने बाकी हैं, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क भी होने वाला है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ले आएंगे यार, अपने पास अपन प्लेन है वो लेके जाएंगे। जल्दी से विलेज में लूटपाट करेंगे और ब्लेजर उठा के ले आएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बाकी विलेजर्स के लिए अपन लोगों ने स्पेस वगैरह बना दिया है, टोटल 16 प्लेसेस अपने पास हैं, तो 16 विलेजर अपने पास आराम से हो सकते हैं। बाकी लैंटर्न वगैरह भी लगा दिए ताकि कोई मॉब वगैरह स्पॉन ना हो जाए, ना अपनी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। बाकी छत वगैरह भी लगा दिए और काफ़ी ठीक ठाक लुक आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब अपने को सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो भी करना है, तो सीधे आप लोगों से मिलेंगे विलेजर वगैरह लाने के बाद। और लुक काफ़ी ठीक ठाक आ रही है, और शिप हमेशा की तरह यहाँ पे रहेगी, मतलब ट्रेडिंग हॉल के पास शिप रहेगी भाई। तो चलो अपन लोग फिलहाल को चलते हैं। बाकी अपने एरिया से थोड़ी दूर अपने को डार्क ओक मिल गए थे, तो वहाँ से अपन लोग लेके आ गए थे, और एक मतलब चार सैपलिंग भी लेके आ गए थे ताकि डार्क ओक की कोई कमी ना रहे। बाकी फिलहाल को अब अपन लोग चलने वाले हैं सीधे विलेजर्स के पास। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने में, और शेयर वगैरह भी कर देना आपको थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो। बाकी देखते हैं सबसे पहले अपना टेंट फार्म काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इतनी मुश्किलों से इसको बनाया था। तो चलो जाके देखते हैं कि कितने स्टैग आयरन अपने पास हो चुके हैं। तो चलो भाई देखते हैं, अराउंड 4-5 स्टैग तो कम से कम होने चाहिए जिस हिसाब से ये काम कर रहा था। और एक सेकंड ऊपर कुछ आवाज़ें आ रही है भाई, देखते हैं। और ये देखो भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करने में लगा हुआ, आखिर तुम्हारे भाई ने बनाया, काम तो करना ही था। और ये देखो काफ़ी ज़्यादा आयरन भी है, और 5 स्टैग से कुछ ना कुछ ऊपर ही है, और अभी भी आता जा रहा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और ये देखो भाई साहब, इसको देख के कुछ याद आया, आप सोच रहे थे इसको जला रहे? नहीं भाई, बहुत हरामी लौंडा है ये, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। बाकी चलो चलते हैं सीधे अपने ट्रेडिंग हॉल के पास, और काफ़ी ज़्यादा काम भी अपने को। तो चलो भाई साहब, तो गाइस ये देखो इतना तूफान भयंकर आ चुका है, और क्या ही बोले, फैंटम वगैरह आ चुके हैं, अपन लोग विलेजर लेके भी आ चुके हैं, जो कि अपन लोगों ने सीधे ट्रेडिंग हॉल में शिफ्ट कर दिए। लेकिन सिर्फ 2 ही विलेजर है, तो काफ़ी ज़्यादा पोटैटो वगैरह भी चाहिएगा, आप लोग तो सब जानते हो भाई, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो फिलहाल को अपन लोग चलते हैं, लेकिन जाएँ कैसे भाई, मौसम तो बिगड़ा हुआ है, मौसम के हाल तो भाई बिल्कुल अच्छे नहीं नज़र आ रहे। तो चलो सो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर अपन लोग तैयार थे जाने के लिए, 49 हेबल्स अपने पास थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, ढेर सारे विलेजर अपने आप हो जाएंगे। तो बस अपने को जाके उनको पोटैटो फेंक देने हैं, और फिर देखो भाई साहब मैजिक। और बाकी चलो यार जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कि देखते तो क्या भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है अपने को। लेकिन अपना ट्रेडिंग लगभग कंप्लीट हो चुका, बस इनको जॉब देनी है अपने को, और थोड़े बहुत इनकी संख्या भी बढ़ानी है। तो जल्दी से पोटैटो वगैरह बना लेते हैं, और चलो भाई जल्दी से यहाँ पे पोटैटो फेंक देते हैं, और ये अपना जादू भी दिखा देंगे यहाँ पे। गाइज नेक्स्ट डे तक मैंने सभी विलेजरों को उनकी जॉब वगैरह दे दी थी, लेकिन अपने पास सिर्फ 14 ही विलेजर है, और एक तो अपने पास फ्लेचर की कमी है, और बाकी आप लोग देख सकते हो इनको परमानेंट जॉब अभी तक नहीं दी है, तो बाद में अपने हिसाब से अपन लोग रख सकते हैं जो भी है। और एक ये वाइस स्मिथिंग टेबल वाला खाली पड़ा है, तो वो तो अपन लोग बाद में अपने हिसाब से इनको कोई भी जॉब दे सकते हैं। और ट्रेडिंग हॉल अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है, और अभी यहाँ पे इसके
मतलब बाउंड्री में वॉल्स वगैरह अपने को लगाने हैं ताकि कोई जॉम्बी वगैरह घुस ना जाए और इनको मार ना दे भाई, क्योंकि सामने गेट लगाएंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और थोड़े बहुत फूल वगैरह और फ्लावर पॉट वगैरह भी रख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो अपन लोगों ने फाइनली वॉल्स वगैरह लगा दिए और इसको थोड़े बहुत और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखते हैं वो कितने में अपना पार्क वगैरह आने वाला है और थोड़े बहुत रास्ते भी निकालेंगे तो देखते हैं। और बाकी ये देखो भाई साहब, अपन लोग भूल चुके थे शिप क्यों नहीं आई, याद करने से पहले शिप आ गई, क्या ही ज़बरदस्त बात है यार। और ये देखो अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे स्विमिंग पूल है, इनको अपन लोग रेंडमली यहाँ पे सैंड और क्ले वगैरह रख देंगे ताकि थोड़ी नेचुरल फील भी आए। और देखते हैं, अभी तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर, मज़ा नहीं आ रहा है तो बाद में देखते हैं यार अपन लोग इसको कुछ क्या कर सकते हैं, या फिर तो इसका कंबाइन एक ही बना देंगे। तो पहले थोड़ी बहुत डर्ट वगैरह लगा देते हैं ऐसे ही। तो चलो भाई, डर्ट वगैरह तो लगा दिया है और सामने शिप फिर से इंतजार करिए भाई, क्या करें। चलो छोड़ो, ये तो भाई हराम खोर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल को अपन लोग यहाँ पे बनाने वाले एक पाथ बाई बीचों बीच और स्टोन ब्रिक्स से इसकी बाउंड्री वगैरह बना देंगे ताकि थोड़ी अच्छी सी फील आए। तो चलो जल्दी से पाथ वगैरह कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अपना काम लगभग कंप्लीट हो चुका, बस यहाँ पे थोड़े बहुत लैंटर्न वगैरह लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। और ये देखो भाई, सनसेट भी हो चुका और क्या गजब लुक आ रही है। ऐसे ही अपने को एंट्रेंस पे और कुछ और प्लेसेस पे लैंटर्न वगैरह लगा देने हैं, फिर देखते हैं कैसी लुक आएगी ताकि थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह भी रहे। तो वो तो अपन लोग लगा देंगे, लेकिन सामने से आपको एक बार लुक दिखा देते हैं भाई कैसी आ रही है। तो थोड़ी बहुत बस लाइटनिंग की नज़र आ रही है कमी, वो करते हैं। तो फाइनली अपन लोगों ने अपना ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट कर दिया है और अपने डॉग्स को भी अपन लोग ट्रेडिंग हॉल में ले जाने वाले हैं ताकि अपने विलेजर्स की सुरक्षा भी हो सके। और वहाँ पर ये काफ़ी ठीक ठाक भी, मतलब डेकोरेशन वगैरह तो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कर सकते हैं। मैन इंपॉर्टेंट बात तो यही है, वहाँ पे बिठा देंगे। और अपने हाउस में स्पेस भी काफ़ी कम है, तो जल्दी अपन लोग एक कासल वगैरह भी बनाने वाले हैं। आप लोग कमेंट्स में बता देना किस टाइप का बनाए। और इनको यहाँ पे बैठा देते हैं, सबसे अच्छी जगह यहीं पे रहेगी। और ये फ्लावर पॉट वगैरह बताओ कैसे लग रहे हैं। और ये देखो भाई, फैंस पे अपन लोगों ने लैंटर्न भी लगा दिए और ऊपर कैंप फायर भी लगा दी है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक, मतलब अच्छी लुक दे रही है कह सकते हैं। और बैठ जा भाई, क्या हो गया तुझे, नई जगह पसंद नहीं आ रही का? ये तो पहले वाले से तो अच्छे भाई, पसंद तो आनी चाहिए। और बाकी ये पाथ वगैरह अपन लोगों ने कंप्लीट कर दिया, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। और ये स्विमिंग पूल भी कंबाइन कर दिया है, तो अब पहले से बेटर लुक आ रही है। और सामने से देखो भाई, कैंप फायर से जो धुआं उड़ रहा है वो भी काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाई नहीं, ये देखो यार, ये देखो भाई, अपन लोगों जब भी, मतलब कोई भी, यहाँ तक कि एक जॉम्बी भी एंटर करेगा ना, तो भी उसके स्वागत में ये पटाखे फोड़े जाएंगे। लेकिन जॉम्बी के लिए कुछ इलाज करना पड़ेगा अपने को, वरना सारी रॉकेट तो ख़त्म हो जाएगी। और फिलहाल को थोड़े बहुत फ्लोर अपन लोगों ने यहाँ पे भी रख दिए और विलेजर का हालचाल पूछने अपन लोग आते रहेंगे। और बाकी बताओ कैसी लुक आ रही है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो इन रॉकेट को फोड़ने में आ रहा है भाई। बाकी अपन लोग तो ऐसे ही रॉकेट वगैरह फोड़ते रहेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।